ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरुदेव। नाउ आई एम स्टार्टिंग हाउ टू मेक कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में कंडीशंस आती है, यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, यदि तुम मेरा काम करोगे तो मैं भी तुम्हारा काम करूंगा, यदि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा या करूंगी, यदि तुम अजमेर जाओगे, यदि तुम अजमेर जाओगे तो मेरे लिए कुछ लेते आना, मेरे लिए इंग्लिश की बुक लेते आना, यदि तुम स्कूल जाओगे तो मैडम से ऐसा कहना या वैसा कहना, मम्मी यदि तुम मेरे लिए मैगी बनाओगी तो मैं पढ़ाई करूंगी या आपका क्या है या ठीक है, यदि तुम मेरे लिए मैगी नहीं बनाओगी तो आज मैं भी पढ़ाई नहीं करूंगा, ओके या करूंगा, ठीक है। तो ये ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर ये तो होते हैं, इसको बोलते हैं प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। कंडीशन इन प्रेजेंट, कंडीशन इन प्रेजेंट। अब कंडीशन इन पास्ट, कंडीशन इन पास्ट। यदि तुम मेरे लिए मैगी बनाते, मम्मी यदि तुम मेरे लिए मैगी बनाते तो मैं भी आपका काम कर देता, तो मैं भी आपके लिए बाजार से कुछ लेती, हाँ मैं भी आपके लिए बाजार से सामान लेकर आ जाता, ठीक है। यदि आप मेरे लिए मैगी बनाते तो मैं आपका कहना मानता या मैं आपका कहना मानती, यदि आप मेरे लिए मैगी बनाते तो मैं कल मेरी पढ़ाई कर लेता, ठीक। यदि कल तुमने मेरी मदद की होती तो आज मैं भी तुम्हारी मदद करता या कर देता, ठीक है। तो उसमें आएगा, यदि कल आपने मेरे लिए मैगी बना दी होती इफ यू कुक्ड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी और वहां पे विल का वुड हो जाएगा, और विल वुड जब भी आता है बेटा इनमें वी वन यूज करते हैं, ओके ठीक है। शैल विल वुड ये जब भी आते हैं, शुड वुड, इनमें हमेशा वी वन आती है इनके बाद में, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म। इज इट राइट? तो नाउ मैं सबसे बोलता हूँ प्रेजेंट का। इफ यू कुक मैगी, यदि तुम मेरे लिए मैगी बनाते है ना, ठीक है मम्मी, यदि तुम मेरे लिए मैगी बनाओगी या मेरे लिए मैगी बना देती हो, ठीक है। हम प्रेजेंट सिंपल में भी ये साउंड निकाल सकते हैं और फ्यूचर सिंपल की भी साउंड निकल जाए, किंतु जो इसको वाला वाक्य बनेगा वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में बनेगा, ओके। अब जैसे मम्मी यदि तुम मेरे लिए मैगी बनाओगी, आज तो साउंड फ्यूचर की रही है, किंतु यहाँ पे शेयर मिल जाएगा, आगे वाले क्लॉज में नहीं वाक्य में शेयर मिल आएगा। मॉम इफ यू कुक मैगी फॉर मी, आई विल डू माई होमवर्क, आई विल नॉट प्ले, मैं नहीं खेलूंगा। आप बोल रही हो भाई तू नहीं खेलेगा, तो पहले ये मेरे लिए आप मैगी बनाओ, फिर नहीं जाऊंगा बाहर खेलने, ठीक है। यदि तुम मेरे लिए मैगी बनाओगी तो मैं पढ़ाई करूंगा। मॉम इफ यू कुक मैगी फॉर मी, आई विल डू माई होमवर्क, आई विल डू योर फेवर, यानी तुम्हारा काम। मम्मी ने कहा भाई बाजार से ये लेके आना, वो लेके आना, फेवर का मतलब काम। क्या तुम मेरा एक काम करोगे, विल यू डू मी ए फेवर। आप किसी को कोई काम बताते ना, अपन तो ऐसे वर्क नहीं बोलेंगे, विल यू डू मी ए फेवर। फेवर का मतलब एहसान करना भी होता है, ओके। फेवर का मतलब पक्ष लेना भी होता है। विल यू फेवर मी, क्या तुम मेरा पक्ष लोगी। विल यू फेवर मी और विल यू डू माई फेवर, तो करना, क्या तुम मेरा काम करोगी। इफ यू गो टू मार्केट, प्लीज ब्रिंग ए इंग्लिश ग्रामर बुक। यदि तुम बाजार जाती हो या जाओगी तो मेरे लिए इंग्लिश की बुक लाना।
आया बेटा? इसका होगा स्ट्रक्चर। अब इसकी स्ट्रक्चर लिखो, सबसे पहले प्रेजेंट वाली स्ट्रक्चर लिखो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सलोनी आर यू अंडरस्टैंड? जैसे मैं बोलूंगा हैव यू गॉट, क्या तुम्हें समझ में आ गया? यस आई गॉट। आजकल क्या होते हैं, समझने के लिए अंडरस्टैंड यूज नहीं करते वर्ड, गेट और गॉट। तुम्हें समझ में आता है? यस आई गेट। और मुझे आ गया गॉट, यस आई गॉट, मुझे आ गया। मैडम भी पूछती है वहां पे क्लास में, बोला यस आई गॉट। वर्ड छोटे वर्ड तुम्हें छोटे छोटे बीच में बोल दो। प्रेजेंट लिखना है ना, सब्जेक्ट लिखो, फिर लिखो प्लस, फिर वहां पे लिखो v1 ऑब्लिक v1 प्लस s या es, ये आते हैं ना बेटा, s या es, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है, प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया ठीक है कॉमा। इसके बाद में वापस सब्जेक्ट प्लस शैल विल, शैल विल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट सर, शैल वी विल विल देना बेटा, आपकी कॉपी बता दो इनका स्ट्रक्चर आप। यस ठीक है, आर यू लिसनिंग? हैव यू गॉट? यस सर। हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, अब जैसे अब मैं बोलता हूँ, यदि प्रिंसिपल सर आ जाते हैं, यदि प्रिंसिपल सर क्लास में आ जाए तो सभी बच्चे खड़े हो जाना, तो सभी बच्चे खड़े हो जाना। अब ये दोनों प्रेजेंट में भी आ सकते हैं। इफ प्रिंसिपल सर कम्स, अब क्या आएगा? कम नहीं आएगा, सिंगुलर है ना। इफ प्रिंसिपल सर कम्स इन द क्लास या इन योर क्लास, यू ऑल स्टैंड अप, यू ऑल स्टैंड अप, तो तुम सभी खड़े हो जाना या हो जाओ, ठीक है। कई बार मम्मी कहती है कि भाई मैं बाजार जा रही हूँ, तुम खाना खा लेना, तो वहां पे खा लेने का मतलब लीवन से स्टार्ट हुआ है ना। आई एम गोइंग टू मार्केट, इफ यू कम टू होम आफ्टर आफ्टर लिविंग फ्रॉम योर स्कूल, आपकी छुट्टी से घर पे आने के बाद यू ईट है ना, यू ईट योर लंच, यू ईट योर, हो सकता है कि ईट्स नहीं बेटा, ईट आएगा यू के साथ, तो वो आएगी ना ओनली वी वन, ठीक है। आया मेरे एक बार, आज मैं समझा रहा हूँ ताकि थोड़ा दिमाग के अंदर बैठ जाए, फिर पूरा स्ट्रक्चर लिखेंगे अपन, ताकि आपको बोलना है ना। यदि तू शैतानी करेगा तो मैं तेरी पिटाई लगा दूंगी, जैसे आप दिव्यांश पे अपन लोग रुआ पे हमारे छोटे बहन भाइयों पे, जैसे कि ही वाज कंप्लेनिंग मी यस्टरडे है ना, सर सलोनी दीदी बहुत मारती है सर, आपके पास तो सीधी रहती है ना। तो बच्चे अपने मन की बात करते हैं ना मोदी जी की तरह, तो जैसे जैसे वो बोल रहे हैं कि अब आप उन्होंने सेट कर दिया, अपन बहुत सेंटेंस बोलते हैं कंडीशनल, लेकिन अपने को पता नहीं है। यस अपन बहुत सेंटेंस बोलते हैं, जैसे यदि तू बदमाशी करेगा ना तो चाटा लगाऊंगी, दिनेश सर को बोलूंगा बदमाशी करेगा तो, कि तू कितनी बदमाशी करता है, मेरा कहना मानते हैं दिनेश सर रूप में, दिनेश सर को बोलती हूँ, बोलते ना अपन ऐसे, तो वहां पे आएगा इफ यू डू मिसचीव, इफ यू नॉट ओबे मी, यदि तुम मेरा कहना नहीं मानोगे आई विल गिव यू स्लैप, तो फिर आप बोलोगे ना दिव्यांश को तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तेरी पिटाई लगाऊंगी, है ना। ऐसे सर बोलते क्लास में आके, इफ यू मेक ए नॉइस, यदि तुम शोर करोगे आई विल गिव यू स्लैप या आई विल गिव यू पनिशमेंट, पनिशमेंट स्लैप्स है ना, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।